ओम मनोजवं भारतुल्लवेगं जितेन्द्रयं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूत मुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के गुड लक में। आज के इस कार्यक्रम को विशेष तौर पर हम आपके समक्ष लेके उपस्थित हैं। हम सब लोग नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। नया वर्ष बहुत सारी हमारी इच्छाओं को कैसे पूर्ति की तरफ ले जाएगा, बहुत सारे ऐसे उपाय जिनके द्वारा पिछले साल की कड़वी यादों को हम भुला सकें। खट्टी मीठे अनुभवों को हम सब गुजरे हैं पिछले पूरे वर्ष में, महामारी ने बहुत परेशान किया है। ऐसे में नए संकल्पों की ज़रूरत है, अपने भविष्य के प्रति, अपने कैरियर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, और कैसे हम अपने भविष्य को सुदृढ़ कर सकते हैं, उन जिम्मेदारियों को कैसे निभा सकते हैं, अपने अंदर अद्भुत ऊर्जा, सकारात्मक भाव कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, भगवान हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने का कैसा हमारे जीवन में हम प्रयास करके उन उपायों को करके परिवर्तन लाने के योग बना सकते हैं, इस संबंध में हम आपको बहुत अद्भुत जानकारी आज देने वाले हैं, जिसके द्वारा आपकी समस्याओं को निराकरण की तरफ आप ले आ सकते हैं। ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में आज क्या पड़ने वाला है, कौन से खास उपाय करके आप अपनी खासतौर पर नकारात्मक शक्ति को सकारात्मकता की तरफ कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, ये सारे रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं, आपके प्रश्नों का भी समाधान देने जा रहे हैं। दो नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप तुरंत व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। माह में करेंगे कल्याण, पौष का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है और द्वितीया तिथि है, मंगलवार है आज। नक्षत्र की बात करें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आज विद्यमान है, बड़ा महत्वपूर्ण योग हर्षण नाम का योग बना हुआ है, चंद्रमा जो है वो मकर राशि पर आ गए हैं। शुभ मुहूर्त का समय नोट कर लीजिए, 12:10 से लेकर 12:52 का समय जो है बड़ा शुभ मुहूर्त का रहेगा। राहुकाल जो है वो रहेगा आज 3:11 से लेकर 4:30 तक। आज दूज है, चंद्र दर्शन का शुभ योग बन रहा है और साथ साथ वृंदावन में आज के दिन खिचड़ी महोत्सव मनाया जाता है और अब तो खिचड़ी हमारा राष्ट्रीय भोज बन गया है और बड़ा खासतौर पे शुभ भोजन है। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी की पूजा का विशेष दिन है आज और समस्त राम भक्त हनुमान जी के, खासतौर पे जो भक्त हैं अंजनी पुत्र हनुमान जी की आराधना कर संकट मोचन हनुमान जी की पूजा कर अपनी समस्त समस्याओं को दूर करने का अद्भुत योग बना सकते हैं। आज हनुमान जी को जो लाल चोला अवश्य समर्पित करने का प्रयास करते हैं और जो करना भी चाहिए वो अद्भुत रूप से कल्याण का योग बना सकते हैं। हनुमान जी को लाल चोला समर्पित करना चाहिए, उन्हें बूंदी के लड्डू समर्पित करने चाहिए। कहा गया ना, पवन तले संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, हनुमान जी समस्त संकटों को हरने वाले हैं और जीवन में कोई भी संकट हो और खासतौर पर हनुमान जी के पास हर संकट का समाधान है। हनुमान जी के सामने आप अपनी खासतौर पर भक्ति का प्रदर्शन करें, उनकी भक्ति करें, अनन्य रूप से वो आप पर अवश्य कृपा करेंगे। जिन्होंने हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी होती है वो हर समय किसी, ऐसा कहा जाता है शास्त्र में, केवल उनकी आराधना में जो सन रहते हैं उनके जीवन से भय से मुक्ति अवश्य प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। भूत पिशाच इत्यादि, प्रेत इत्यादि, इन सबके भी कष्ट जीवन से दूर हो जाते हैं, ये कुछ नहीं कर पाते। मंगलवार को हनुमान जी को खासतौर पर एक, यदि प्रसन्न करने के लिए उनका एक लॉकेट लाल रंग खासतौर पर धागे में डालकर धारण जो कर लेते हैं, उनको भूत प्रेत इत्यादि नेगेटिव एनर्जी से खासतौर पर रक्षा प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। हनुमान जी के पास खासतौर पर जो अद्भुत जो मंत्र है, उनका जो खासतौर पर यंत्र है, वो रक्षा कवच की तरह काम करता है। हनुमान जी की पूजा करने से शनि के भी समस्त दोष दूर हो जाते हैं, शनि के कोई दोष उनके जीवन में प्रभाव नहीं डालता। शनिदेव ने हनुमान जी को खासतौर पर स्वयं कहा था कि जो आपकी पूजा करेंगे उनको कभी मैं नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, तो इसलिए प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करने का प्रयास कीजिए। मंगलवार को हनुमान जी को खासतौर पर विशेष पूजा करने का प्रयास करना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और किसी भी सन्निकट मंदिर में जाकर उनका दर्शन भी करने का प्रयास करना चाहिए, अद्भुत योग बनेंगे। आज के शुभ योग में गुप्त मनोकामना पूर्ति के लिए कौन सा खास उपाय करना चाहिए वो भी आप जान लीजिए। आटे के खासतौर पर थोड़ा सा आटा लेकर उसमें काले तिल मिला लीजिए, एक दीपक बना लीजिए और सायंकाल गोधूली वेला में देसी घी से एक वटवृक्ष के पास जाकर अपनी मनोकामना ध्यान करते हुए वहाँ पर उस दीपक को जला दीजिए। दीपक के नीचे एक पान का पत्ता और थोड़ी सी डंडी जिसमें हो वो अवश्य रख दीजिएगा। पान के पत्ते में सिंदूर का टीका लगा दीजिए, अपनी मनोकामना बोलते हुए देखिए कष्ट दूर करने के अद्भुत योग बनेंगे। अब समय हो गया राशि के अनुसार जानने का, मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा जान लीजिए। माह में करेंगे कल्याण, मेष राशि वालों आज का दिन व्यवसायिक क्षेत्र में छोटी मोटी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, हालांकि मेहनत से कार्य में सफलता प्राप्त करने के योग बन सकते हैं।
आर्थिक लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ी भागदौड़ अधिक रहेगी। अनावश्यक धन खर्च होने के योग दिखाई देते हैं। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। बहते जल में, कहीं जहाँ जल बह रहा हो वहाँ एक नारियल लेकर उसको प्रवाहित कर दीजिए, आपके कष्ट कम होंगे। मामे करेंगे कल्याण। वृक्ष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन जान लीजिए। व्यापार अच्छा चलता दिखाई दे रहा है, अकस्मात धन लाभ के योग बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां आपको मिलने के योग बन सकते हैं। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने के योग बनेंगे और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का आपके पास टाइम रहेगा आज। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए सलेटी। हनुमान जी की पूजा करें, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें, समस्त कष्ट दूर होंगे। अगली राशि के संबंध में बात करें उससे पहले एक जो खासतौर पर जो व्हाट्सअप आने शुरू हो गए उनको ले लेते हैं। जयपुर से किशोर रंजन जी का एक प्रश्न आया है। वो उन्होंने लिखा है कि वो बहुत दुविधा में है, परिस्थितियां खासतौर पर उनके लिए कष्टमय बन गई हैं और प्राथमिकताएं खासतौर पर बदल गई हैं जीवन की। लक्ष्य प्राप्ति करना पीछे उनको जाना छोड़ दिया उन्होंने। पछतावा है कि जीवन में कुछ गलत फैसले लिए और बड़े कष्टमय हैं, अपना जन्मपत्री साथ में भेज रहे हैं। देखिए, चिंता ना करें, हमने आपकी जन्मपत्री देखी और आपके अंदर खासतौर पे कुछ ऊर्जा आपको जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। मैं कहूँगा जागृत कर लीजिए। आप अपने लक्ष्य से विमुख हो गए हैं और जिसके कारण से आप असफल होते जा रहे हैं, तो आप सबसे पहली परेशानी का कारण भी वही बन गया है आपको। जीवन में धैर्य के साथ खासतौर पे धैर्य को धारण करने का प्रयास करें, इसमें बड़ी शक्ति होती है। जीवन में बड़ी से बड़ी विपदा का हल अवश्य निकल जाता है। बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार से धैर्य रखते हुए काम किया है। वर्तमान में भले ही आपके समक्ष जो परिस्थितियाँ हैं वो प्रतिकूल दिखाई देती हैं, भयावह दिखाई देती हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को फोकस करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें और हनुमान जी की आराधना करें। मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, हनुमान जी को चोला नित्यपति चढ़ाने का प्रयास कीजिए, लाभ होगा। और खासतौर पर मंगलवार और शनिवार को तो विशेष तौर पर करने का प्रयास कीजिए, देखिए कष्ट दूर होंगे। मामे करेंगी कल्याण। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। कार्यक्षेत्र में काम की थोड़ी अधिकता रहती दिखाई दे रही है, कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। अनावश्यक खर्चे कुछ अधिक होते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा वाणी पर संयम रखने का प्रयास कीजिएगा। परिवार में सुख शांति बना पाएंगे, अवश्य बना पाएंगे। विचारों में कुछ नेगेटिविटी आप पर हावी होने का प्रयास कर सकती है, हावी मत होने दीजिएगा। अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनको चोला चढ़ाइए, देखिए समस्त कष्ट दूर होंगे। मामे करेंगी कल्याण। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज धन लाभ होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। सहकर्मियों की मदद से सफलता मिलने के योग बन सकते हैं और निर्धारित समय में कार्य पूर्ण होने के अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शुभ अंक ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार से रहेगा 5, शुभ रंग आपके लिए रहेगा हरा। और हो सके तो शिवलिंग पर खासतौर पे दूध और केसरे मिले दूध से अभिषेक कर लीजिए, कल्याण होगा। व्हाट्सएप के माध्यम से एक और प्रश्न आ गया, उसको भी ले लेते हैं। जो यूपी से सहारनपुर से रंजना तिवारी जी ने लिखा है, वे लिखते हैं कि उनका 8 साल का बच्चा है और लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं से घिरा रहता है और लगातार स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। खाना पीना भी पूरी तरह से नहीं खा पाता है और कई प्रकार की जांच करा चुकी हैं, इलाज के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ उपाय जानना चाहते हैं, जन्मपत्री साथ में भेजी है। देखिए, हमने आपकी जन्मपत्री देखी आपके बच्चे की, चिंता ना करें, उपाय हम आपको बता रहे हैं, अवश्य लाभ प्राप्त होगा। शनिवार को 1 पाव मसूर की दाल और 1 पाव उड़द की दाल को मिलाकर उस बच्चे पर से 9 बार उल्टा घुमा दीजिए, यानी एंटी क्लॉकवाइज, और फिर पक्षियों को खाने के लिए कहीं उस चीज़ों को डाल दीजिए, विशेषकर कबूतर जहाँ पर हो वहाँ डाल दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। 5 शनिवार करके तो देखें और इस प्रयोग को करते हुए एक मंत्र है, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, ये देखिए लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। अब इस कार्यक्रम में आज के जो मुख्य विषय को हम लेके आए हैं, साल 2022 में धन प्राप्ति करने के लिए कुछ खास उपाय क्या कुछ कर लेने चाहिए। 2021 तो चला गया ना, भूल जाइए, रात गई बात गई, अब समय बदल गया है। नए वर्ष में किस प्रकार से कुछ खास उपाय करके आप कैसे अपने समय को बदल सकते हैं और पिछले साल की कड़वी यादों को भुलाकर हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, कुछ ज्योतिषीय उपाय हम आपको बता रहे हैं जो नए साल में कर आप अपनी आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं और खासतौर पर भगवती महालक्ष्मी को पसंद करने का प्रयास कर सकते हैं। वैभव प्राप्त करने के लिए अद्भुत योग बना सकते हैं, कुछ ऐसे उपाय करने से जिनको पूरे साल में ऐश्वर्य की अद्भुत प्राप्ति के योग बनेंगे वो आप जान लीजिए। सबसे पहले तो कुबेर की मूर्ति स्थापित करने की हमारे यहाँ से अनादिकाल से परंपरा है।
वास्तुशास्त्र के अनुसार से उत्तर पूर्व की जो दिशा है विशेष तौर पर भगवान कुबेर की रहती है, उसके बृहस्पति स्वामी भी हैं, और ईशान कोण खासतौर पर जो दिशा है इसे ईशान कोण भी कहा जाता है। इस स्थान में खासतौर पर हमको खासतौर पर विशेष तौर पर मंदिर की स्थापना करने का प्रयास करना चाहिए। अगर मंदिर में कुबेर की मूर्ति को यदि स्थापित कर लें और उनकी नित्यपति पूजा करना शुरू कर दें, कुबेर यंत्र स्थापित कर लें, तब भी आपको नियमित रूप से धन के खासतौर पर जिनके ऐसा लगता है कि धन का मार्ग अवरुद्ध हो गया है उनके जीवन से बिल्कुल परिवर्तन के योग बनेंगे, दिनों दिन वृद्धि के संकेत मिलेंगे, और नए साल के शुभ मुहूर्त में आप शुक्ल पक्ष में खासतौर पर किसी भी दिन प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही लाके उनकी पूजा करना शुरू कर दीजिए, देखिए आपको लाभ प्राप्त होगा। भोजपत्र पर एक श्री लिखकर, ये विशेष तौर पर महालक्ष्मी का स्थान बन जाता है, महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयोग है ये। आप एक भोजपत्र ले लीजिए, उस पर लाल चंदन से श्री लिखें, श्री खासतौर पर भगवती महालक्ष्मी का मंत्र है, और यदि संभव हो तो श्री लिखते समय मोर के पंख का प्रयोग कीजिए। इसके बाद भोजपत्र को अपनी तिजोरी में रख दीजिए, ये छोटा सा प्रयोग है, और साथ साथ श्री सूक्त का नित्यपति पाठ भी कर लिया कीजिए, आपको अद्भुत रूप से धन वृद्धि के या मार्ग प्रशस्त होंगे। कौड़ी का भी बहुत एक साधारण उपाय है, कौड़ी का भी उपयोग कर सकते हैं, और नए साल में पहले शुक्रवार के समय, अभी जो आने वाला है शुक्रवार, उसमें खासतौर पर साफ करके एक नया पीले रंग के कपड़े में 5 कौड़ियाँ थोड़ी सी केसर मिलाकर एक चांदी के सिक्के में बांधकर तिजोरी में रख दीजिएगा, बहुत शीघ्र धन प्राप्ति के योग बनने शुरू होंगे, लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। छोटा सा उपाय है, देखिए परिवर्तन करके देखें, आपको पॉजिटिव साइन अवश्य मिलेंगे। मामे करेंगे करण, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के भविष्यफल की। सिंह राशि वालों, आज धन की स्थिति अच्छी रहती दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ अनावश्यक खर्च बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, मन थोड़ा अस्वस्थ रहता दिखाई दे रहा है, प्रियजनों से कुछ अनबन होने के योग बन सकते हैं, व्यवहार में थोड़ा गुस्सा देखने को मिल सकता है, सावधान रहिएगा, और कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं उनमें दिक्कत आने के योग बन रहे हैं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग केसरिया, हनुमान चालीसा का एक पाठ कीजिए, हनुमान जी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। मामे करेंगे कल्याण, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, समाज में सम्मान बढ़ता दिखाई दे रहा है, मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है, कुछ नए कार्य खासतौर पर यदि शुभारंभ करेंगे तो लाभ के योग अवश्य बनेंगे, परंतु वाहन चलाते वक्त थोड़ी सावधानी बरतने का प्रयास कीजिएगा, स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर, हनुमान जी को चोला चढ़ाई आज के दिन है, मंगलवार का दिन है, शुभ रहेगा आपके लिए। व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास एक और प्रश्न आना आ गया है इस वक्त, वो फरीदाबाद से आकृति जुनेजा जी का आया है, और उन्होंने लिखा कि जिन महिलाओं की दोनों भाएं आपस में जुड़ी होती हैं उनका व्यवहार कैसा होता है ये जानना चाहती है। देखिए जिन महिलाओं की दोनों भाएं आपस में जुड़ी रहती हैं वो खासतौर पर जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं कर पाती और पर्सनल बातों को शेयर भी नहीं करना चाहती हैं। प्रेम संबंधों में खासतौर पर परिवार के मामलों में ऐसी महिलाएँ परिपक्व फैसला लेती हैं ऐसा दिखाई देता है। ऐसी महिलाएं रचनात्मक रूप से क्षमता अच्छी अधिक होती है, लेकिन इनके भीतर एक अवगुण भी विद्यमान है, ये थोड़ी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की होती हैं, इनसे थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए। मामे करेंगे कल्याण, 2022 में कैसे अपने भाग्य को और सुदृढ़ कर सकते हैं, परिवार आर्थिक रूप से कैसे अपने को संपन्न बना सकते हैं, गरीबों को जो यथावचित जरूरतमंद लोग हैं उनको दान करने का प्रयास कीजिए। दान पुण्य दुनिया में सबसे कल्याण का मार्ग है, दान पुण्य से फल अद्भुत रूप से प्राप्त होता है, व्यर्थ नहीं जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं बेकार चला गया, नहीं, कहीं ना कहीं आपको लाभ प्राप्त होगा, और खासतौर पर जूते कंबल इत्यादि का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करने का प्रयास कीजिए, किसी कन्या की शिक्षा में मदद करने का प्रयास कीजिए। दान से हर, खासतौर पर समझ लीजिए, दान को हर धर्म में कहीं ना कहीं सर्वोपरि बताया गया, कहते हैं दान करने से कोई दोष नहीं लगता, और इसलिए कोशिश करें बिना कोई जरूरतमंद आ जाए तो अवश्य दान करने का प्रयास कीजिए, आपकी ऐश्वर्य में वृद्धि के योग बनेंगे। ऐश्वर्य वृद्धि यंत्र भी अद्भुत है मंत्र विज्ञान के अनुसार, उसको अभी सानिध्य ले सकते हैं। महालक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए अपने घर में ऐश्वर्य वृद्धि यंत्र के विधिवत पूजा करके उसको अभिमंत्रित कर अपने तिजोरी में रखने का प्रयास कीजिए। ऐश्वर्य वृद्धि यंत्र जो स्थापित करने से कहा जाता है महालक्ष्मी की अद्भुत कृपा प्राप्त होती, तिजोरी कभी खाली नहीं होती, बरकत ही बरकत रहती है, तो इसका उपाय आप करके यदि श्री सूक्त से सिद्ध करवाकर लक्ष्मी सूक्त से सिद्ध कराकर इसको धारण करेंगे या अपने रखेंगे तो अद्भुत योग बनेंगे। सुपारी एक छोटी सी चीज, वो भी अद्भुत रूप से लाभ देने के योग बना सकती है, बहुत छोटा सा प्रयोग है, घर में पूजा के दौरान साबुत सुपारी को खासतौर पर बड़ा ही शुभ माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूजा के खासतौर पर गौरी गणेश के रूप में उनको हम स्थापित करते हैं, यदि पूजा में खासतौर पर सुपारी को जो पूजा में उपयोग की गई है उनको घर में तिजोरी में आप रख देते हैं तो कहा जाता है, आमतौर पर उनको विसर्जन कर दिया जाता है, आप उनको उठाकर पूजा के उपरांत
आपको खासतौर पर अपने तिजोरी में रखने का प्रयास कीजिए, धन वाले स्थानों में उठा के रखने का प्रयास कीजिए, कृपा अवश्य बरसेगी। माँ में करेंगे कल्याण, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं, शुभ समाचार प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं, धन वापस होने के योग बन सकते हैं, यदि धन नहीं फंसा है तो वापस लेने का प्रयास कीजिए, परंतु कुछ लेन देन में असावधानी न कीजिएगा, उससे बचने का प्रयास कीजिए। परिवार के साथ समय अच्छा व्यतीत होगा, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, और शुभ अंक आपके लिए 4 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा। आज नए वस्त्र ना पहने इस बात का ध्यान रखें। मामले करेंगे कल्याण, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज कारोबार में आपका समय जो मध्यम चलता दिखाई दे रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कामकाज की थोड़ी अधिकता रहेगी, सहकर्मियों का थोड़ा ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए, किसी मांगलिक आयोजन में मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा, घर का माहौल अच्छा रहेगा। सेहत का थोड़ा ध्यान रखने का अवश्य प्रयास कीजिएगा, कोरोना पूरा भयावह रूप में आता दिखाई दे रहा है, सावधान रहें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है, उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए उनको अर्घ उपस्थित करें, कल्याण होगा। माँ में करेंगे कल्याण, अब स्वप्न विज्ञान के संबंध में बात कर लेते हैं, समय आ गया स्वप्न विज्ञान के बारे में बात करने का। राजस्थान के दौसा जिले से सुभाष नामदेव जी का एक प्रश्न आया है, उन्होंने सपने में खासतौर पर किसी रिश्तेदार को देखा, जानना चाहते हैं क्या संकेत है। सपने में खासतौर पर किसी संबंधी रिश्तेदार को देखना शुभ संकेत है, अच्छा संकेत है, आने वाले समय में शुभ समाचार प्राप्त होने के योग बनेंगे, किसी बड़ी समस्या खासतौर पर जो है उसका निजात मिल सकती है, आपको परिवार का सहयोग प्राप्त करने के योग बनेंगे। स्वप्न विज्ञान के संबंध में एक और प्रश्न आया है ग्रेटर नोएडा से रोहन जी का, और वो लिखते हैं कि उन्होंने सपने में इलायची देखी और जानना चाहते हैं संकेत क्या है। देखिए, सपने में इलायची का दिखना बहुत शुभ संकेत है, और आने वाले समय में कारोबार में सफलता प्राप्त करने के योग बनेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग बन सकते हैं, धन सम्पदा प्राप्त होने के योग भी बन सकते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि में इजाफा हो सकता है, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के योग बनेंगे। मामले करेंगे कल्याण, धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज व्यापार अच्छा चलता दिखाई दे रहा है धनु राशि वालों, विस्तार की योजना बन सकती है, कार्यभार थोड़ा अधिक रहेगा, खानपान में थोड़ी सतर्कता बरतने का प्रयास कीजिए, स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास करें, और हो सके तो यात्रा भी ना जाए, उनसे बचने का प्रयास कीजिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया, भगवान गणेश को बड़ी श्रद्धा भाव का ध्यान करते हुए दूर्वा उन्हें समर्पित कीजिए, कल्याण होगा। मामले करेंगे कल्याण, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज कार्य में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, अकस्मात धन लाभ की संभावना दिखाई देती है, परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, घर परिवार के साथ मौज मस्ती का समय अच्छा बीतेगा, दाम्पत्य जीवन में भी सुख दिखाई देता है। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला, और गरीबों को मिश्रित जो अनाज हो, यानी अनाज को मिश्रित करके यदि सतनाजा दान कर सके तो बहुत शुभ रहेगा। मामले करेंगे कल्याण, अब बात कर लेते हैं एक व्हाट्सएप मैसेज की जो पुणे से आया है भूषण कुमार जी का। उन्होंने लिखा है कि नींद जो है वो अचानक खुल जाती है, फिर नींद आती ही नहीं है, और उसके कारण से सिर में बहुत दर्द रहता है, दिन भर बड़े परेशान है, कुछ उपाय बताने का प्रयास कीजिए। देखिए, नियमित रूप से आप कोशिश करें, एक तो ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने का प्रयास करें, नींद कच्ची आती है जिसके कारण से आपको टूट जाती है नींद, सबसे पहले तो कोशिश करें आप थोड़ी मेहनत का काम करें, कम से कम अपने जीवन में आप एक प्रयास कीजिए कि आप 45 मिनट सुबह 45 मिनट शाम वॉक अवश्य किया कीजिए। आप पूरी तरह से शारीरिक श्रम नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण से आपको परेशानी हो रही है, और रात को गरिष्ठ भोजन मत किया कीजिए, जितना भारी भोजन करेंगे आपको उतना एसिड बनेगा, उसके कारण से आपकी नींद खुल सकती है। तो ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, ये छोटी छोटी टिप्स जो बताई है इसका ध्यान कीजिए, देखिए लाभ प्राप्त होगा। मामले करेंगे कल्याण, कुंभ राशि वालों के लिए आज का समय कैसा है जान लीजिए। आज कार्य में सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन कार्यभार थोड़ा अधिक रहता दिखाई दे रहा है, अनावश्यक खर्चे होने से थोड़े से कष्ट का वातावरण बन सकता है, मन में कुछ नेगेटिव विचार उत्पन्न हो सकते हैं, उनसे आपको बचना होगा। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है, लाल चंदन का टीका लगाना आपके लिए बेहद शुभ है, कल्याण के योग बनाएगा। मामले करेंगे कल्याण, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज परिश्रम की थोड़ी अधिकता रहने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन अपने प्रयासों से आप कार्य में सफलता प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, पुराने मित्रों से मुलाकात होने के योग बनेंगे, शुभ समाचार प्राप्त होंगे, शुभ अंग ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से रहेगा 7, शुभ रंग आपके लिए रहेगा क्रीम और सफेद, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, मंगलवार है, हनुमान जी कृपा प्राप्त होगी, आपका दिन शुभ होगा। हेल्थ टिप में अब बात कर लेते हैं, आज हम लाए हैं आपके लिए सूरजमुखी के बारे में। देखिए, सूरजमुखी का तेल भी बहुत शुभ रहता है, सर्दियों में चेहरे में थोड़ी नमी कम हो जाती है, जिसकी वजह से खासतौर पर आपको शरीर में ड्राइनेस आ जाती है,
और सूरजमुखी का तेल विशेष तौर पर इन समस्याओं को दूर करने में अद्भुत योग बना सकता है, इन प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। इस संबंध में आपको बताने जा रहे हैं, यदि बाल उलझे रहते हैं बहुत सारे पायो, बालों में ड्राइनेस आ जाती है और सूरजमुखी के फूल खासतौर पर जो होते हैं वो उलझे हुए बालों को सुलझाने का काम बहुत अद्भुत रूप से करते हैं, बहुत सारी खूबी रखते हैं और उन सब को आप कैसे उपयोग कर सकते हैं ये हम आपको आज बताते हैं। सूरजमुखी जो फूल होते हैं वो बड़े ही सुंदर तरीके से काम करते हैं, बालों को सुलझाने के रूप से काम कर सकते हैं। नेचुरल कंडीशनर बहुत बढ़िया तरीके से इनसे बनता है और नेचुरल कंडीशनर का काम भी करता है। ज़्यादा से ज़्यादा फायदों के लिए बालों को खासतौर पर हफ्ते में कम से कम एक बार नहाते समय आप इस तेल का उपयोग कर सकते हैं और उसमें खासतौर पर भरपूर आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अंदर जो खासतौर पर प्रोटीन्स विद्यमान होते हैं वो आपकी कई प्रकार की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं और जो खासतौर पर वसा होती है वो घुलनशील होती है और बहुत जल्दी प्रकार से विटामिन ए इत्यादि में परिवर्तित हो जाती है। इसके द्वारा आपके शरीर को, आपके खासतौर पर बालों में एंटीऑक्सीडेंट जो जिसके अंदर गुण होते हैं वो आपको लाभ देने के अद्भुत योग बनाते हैं। तो छोटे छोटे इन चीज़ों से आप लाभ मिल सकते हैं। सूरजमुखी का तेल में खासतौर पर कई प्रकार के ऐसे एनर्जी स्रोत होते हैं जो विशेष तौर पर आपके चेहरे की स्किन को, आपके जो झुर्रियाँ आ जाती हैं उसको भी दूर करने का काम करती हैं और आपके सनबर्न्स की समस्या को भी जो सूरजमुखी के तेल के अंदर अद्भुत क्षमता होती है उससे आपको ठीक कर सकती है। त्वचा में कैंसर इत्यादि के जो खासतौर पर बीमारी हो जाती है उससे भी बचाने का अद्भुत रूप से सूरजमुखी के तेल में क्षमता होती है। एक्जिमा से भी बचने के लिए सूरजमुखी के बीजों में जो तेल होता है वो अद्भुत रूप से ऐसा उसके अंदर जो एसिड विद्यमान होता है कि जो आपकी खास प्रकार जो बैक्टीरिया इत्यादि से जो समस्या होती है उससे भी बचाने का अद्भुत योग बनाता है। ऐसा माना जाता है कि सूरजमुखी के तेल में जो एक्जिमा और खासतौर पर स्किन संबंधित समस्या होती है उसको ठीक करने के अद्भुत योग होते हैं। सूरजमुखी के बीजों का जो तेल बनता है उसके से नमी को खासतौर पर प्राप्त करने के जो ऐसे योग बनते हैं जिससे आपको कई प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के रास्ते मिल सकते हैं। स्ट्रेस और माइग्रेन से भी छुटकारा दिला सकता है ये तेल, इसका उपयोग आप करने का प्रयास कीजिए। इन सब के अलावा इस तेल में मैग्नीशियम भी बहुत अद्भुत प्रकार से होता है जो आपके दिमाग को ठंडा रखने का प्रयास करता है। माइग्रेन और खासतौर पर जो सिरदर्द तनाव इत्यादि को दूर करने की भी क्षमता अद्भुत रूप से होती है। तो कोशिश ये करें आप हर बार जो तेल का इस्तेमाल करते हैं बदल बदल के करने का प्रयास कीजिए। एक ही प्रकार के तेल, कभी मूंगफली का तेल, कभी सूरजमुखी का तेल, इन सबको बदलते हुए यदि उपयोग करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया आपके शरीर में इम्यून सिस्टम डेवलप हो पाएगा। तो इस प्रकार से कल का दिन आपके लिए कैसा रहेगा ये कल हम आपके समक्ष इसी समय पर उपस्थित होंगे, आपके ग्रहों की चाल को देखकर आपके प्रश्नों का समाधान कल फिर उपस्थित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम राम दूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्।